अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबको सॉरी कहना चाहूँगी कि मेरा कल व्लॉग नहीं आया। मैं प्रॉपर कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो है डेली व्लॉग डाल सकूँ, और एक और चीज़ के मैं जो है सही से व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि आपको मैं नहीं बता सकती मैं इस टाइम कितना ज़्यादा मतलब लो फील कर रही हूँ। मतलब बिल्कुल ऐसा होता है कि मैं बस गिर जाऊँगी, इतना मैं लो फील कर रही हूँ आजकल। तो मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि प्लीज़ आप प्रॉपर व्लॉग बनाएं, सलाम करें एंड सही से करें। तो मैं खैर आज गई, मेरी कोशिश है कि मैं सही से सलाम और एंड एटलीस्ट सही से करूं। बाकी जो है कल के लिए सॉरी, जो कल व्लॉग दिया मैंने बता भी नहीं सकी उसके लिए भी सॉरी। करते हैं हमारे व्लॉग को स्टार्ट। और अभी हम लोग नाश्ता करने लगे, हलवा पूरी, और ये देखो इसको देखो, ये पहले आके सब सवर के बैठ गया, किसने भी साथ बैठ। ये ना कभी हमें अकेले नाश्ता करने ही नहीं देता, इसको शाहरुख बैठा इसको कहता है सो जाओ लेट जाओ और फिर मैं तुमसे प्यार करूंगा, मतलब नाश्ता अकेले नहीं करना तुमने। मुझे हलवा पूरी में हलवा तो नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे पसंद है चने और ये अचार बहुत ज्यादा। यहाँ पे ना मजाक चल रहा है ठीक है, क्योंकि ये गुल्लू उसको मारता है छुटके को, छुटके को पता है कि छुपके कहाँ बैठ, छुटका छेड़ता है भी छुटके को, ऐसे ना देखें ये देखो ये अब इसको छेड़ेगा पूरा पूरा। अभी मैंने कपड़े चेंज किया, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था आज, मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, बहुत ज्यादा सुबह से मतलब ऐसा लग रहा है। और मैंने हल्का सा टेंट लगाया है और अभी हम लोग जा रहे हैं खबर वालों के साथ, पता नहीं मुझे क्या हो गया, आई डोंट नो, बिल्कुल भी मैं तो ऐसा फील कर रही हूँ जैसे बिल्कुल लो होता है इंसान, और अभी जो है ये तो मैंने अभी देखा दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए, कक्की ने ब्लैक पहना हुआ है, फादिया बहुत प्यारी लग रही है व्हाइट एंड रेड में, तो मैं क्या बोलूं, कार निकालने दो उसको, कार और हम लोग जा रहे हैं बाइक पर, मैं और शाहरुख और फादिया, क्योंकि आपको पता है फादिया को भी मेरी तरह बाइक पर ही अच्छा लगता है। बाबर वाले ये रहे सामने, यहाँ पे ईद में हम लोगों ने ढोल बजा के सब डांस कर रहे हैं, और ये अब्दुल्ला शाह गाजी के बाहर इतना रश है अल्लाह माफ करे। तो कराची की आधी आवाम जो है ना अब्दुल्ला शाह गाजी पे आती है ईद मनाने के लिए। ये आप लोग देखें कितना ज्यादा यहाँ पर रश है, मैं तो घर से बाहर ही निकली थी, अब जाके पता लग रहा है कि हाँ भाई ईद है। तो सही आप लोग सब मजार पे, मतलब खुद सच मजार पे क्या कर सकते हैं, हम ईद कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। हमने जाना था डोरमेंट, बट ये देखे ये हालात है तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। So guys, इतना रश देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग डॉलमेन मॉल बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे दो दरिया मतलब खुराकी वगैरह बनती है यहाँ पर, बिल्कुल भी जगह नहीं है कि हम लोग जाएंगे। So guys, सीवियो साइड पे ह्यूज रश था, तो हमने डिसाइड किया है, हाँ बहुत प्यार लग रही है, कि हम लोग जो है अंदर से जाएंगे, मीन्स के अंदर गलियों से जाएंगे। और अभी गाड़ी जो है आगे आपा चला के जा रही है, गाड़ी एक घंटे से रुकी हुई है, चल नहीं रही आपा से। तो गाइस इस टाइम जो है आपा जो है ड्राइव कर रही है, आपा किसी के साथ कुछ गलत करना चाह रही है, तो मेरा भाभी कह रही है मुझे निकालो यहाँ से, सारे बच्चे इस टाइम जो है उसी कार में है। और अभी हम लोग घर आ चुके हैं आराम से आराम से, थैंक यू सो मच फादिया, और इतना प्यास लग रहा था मुझे बहुत ज्यादा, फादिया ने क्लिप लगाया इतना प्यार लग रहा है, बहुत प्यारा क्लिप है। अभी हम लोग घर आ गए और अभी डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने बताया कि फिर से ब्लड टेस्ट होंगे, मतलब उसमें जो 5 छोटे बॉटल्स निकालते हैं ब्लड की वो निकालेंगे, मुझे उससे बहुत पैनिक होता है, लेकिन वो आज नहीं, वो 2 दिन के बाद निकालेंगे, मतलब कल नहीं परसों होगा। एज यू गाइस नो कि हमेशा ऑपरेट से पहले आपको जो है 1 से 2 दिन पहले जाना पड़ता है और अपना जो है पूरा ब्लड टेस्ट वगैरह उन लोग सब चीज़ें कलेक्ट करते हैं, ताकि जो भी कोई प्रॉब्लम हो उसको सॉर्ट आउट कर लें पहले ही। मुझे फिर से जाना होगा एंड लेट्स सी क्या होता है, उसके परसों जाना है ब्लड टेस्ट के लिए और फिर उसके बाद 14 को जाना है डॉक्टर के पास, उसके 1 दिन के बाद फिर ऑपरेट है। आज दूसरा दिन है, मैंने सुबह से बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, आज इनको इनका ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है कि इनका जो है बिस्किट और दूध में मिक्स करके मिलते हैं, बहुत शौक से खा लेते हैं, और कुछ इस वजह से भी ये कमरा ज़्यादातर बंद रहता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे होते हैं, तो ये गुल बैठा ना गुल उसको बहुत मारता है, इसलिए मैं उनको बंद रखती हूँ ज़्यादा। और फ्रिज में से कुछ बर्तन निकाले मैंने, तो बस अभी करना है ये कुछ बर्तन वॉश, पहले ये बंद हुआ हुआ था इसको मैंने खोला है मुश्किल से बैठ के नीचे, अब जो है ये बर्तन वॉश कर रही हूँ। और शाहरुख से मैंने मंगवाया था चटनी का सामान, मैंने मंगवाए थे आलू के, हम लोग दोपहर को जो है आलू खाएंगे, तो ये सारा सामान, और दूध भी ले आया दूध मेरे लिए ताकि मैं पीऊँ, क्योंकि मेरे बाकी तो कुछ ही दिन रहते हैं अपार्टमेंट में।
हमने ना यहाँ पर सफाई कर दी है और ये सारा सामान मैं ले आया हूँ। गुल्लू यहाँ पर बैठ के देख रहे थे क्या हो रहा है। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले डाली है दही, इतनी का मसाला मैंने पहले ही तैयार कर लिया। थोड़ा सा बिल्कुल हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और बस इसको हल्का सा करेंगे ग्राइंड। तो अभी जो ग्राइंड है वो शाहरुख करेंगे। और आप लोगों को पता है प्याज में बहुत खतरा, हालांकि मैं अराई नहीं हूँ बट फिर मुझे प्याज बहुत पसंद है। चटनी जो है मेरी तैयार हो चुकी है। घर में पानी था, अभी ठंडा पानी भर के रखा, इसको इधर रख देते हैं ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्याज लगी हुई। तो चटनी इतने मज़े की थी, खाना मैंने खा लिया, अभी मैं पीने लगी हूँ दूध, और दूध शाहरुख के लिए लेकर आए। थैंक यू थैंक यू। और उसके बाद मैं थोड़ा सो गई थी। आज वो वेला आया है। कौन सा वेला है? 6 बजे। नहीं क्या करो, चिड़ होती है मुझे हर टाइम। तमीज आई बिल्कुल। अभी हम लोग आए हैं बच्चों का खाना लेने के लिए। कब से लिया था उसके बिस्किट्स हैं, तीनों ही खा लेते हैं वो लोग, तो वो ख़त्म हो गए, तो बस हम लोग वो लेने के लिए आए हैं। और हमने बच्चों का खाना ले लिया, बस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। और अभी थोड़ी देर में घर आई थी तो सब हमने सोचा, क्योंकि मेरी मेहंदी का कलर आया ही नहीं था और फातिमा अभी ने मेहंदी लगवाई तो सुमेरा ने एक हाथ पर लगवाई थी, तो हम सब सोचा कि ना हम लोग मेहंदी लगवा लेते हैं आज। तो शाहरुख की दोस्त की सिस्टर है, उनको बोला है वो भी मेहंदी लगाने आएगी। हम लोग अभी जा रहे हैं मेहंदी लेने के लिए। तो हम लोग आए थे लेने घर से मेहंदी, मेहंदी हमें मिल गई है, ये रही। तो पकड़ के बैठो, आगे मेहंदी लगाते। क्या हुआ कहतो? हाँ कहतो। अभी सबसे पहले लग रही है मेहंदी फादिया को, फादिया के बाद कक्की की बारी, फिर हम लोग लगवाएंगे। अभी जो है कक्की मेहंदी, कक्की दिखाओ, कक्की मुझे देखो। हाँ बहुत प्यारी लग रही है मेहंदी कक्की की। और यहाँ पे फादिया की मेहंदी लग चुकी है और अभी जो है मेरे हाथ से लग रही है मेहंदी, और मेरी मेहंदी तो लग गई है दोनों हाथों से। आपा की मेहंदी लग रही है और बस मैं जा रही हूँ घर। मेहंदी लगवा के मैं घर आ गई, आके मैंने रेस्ट किया और माशाल्लाह कलर इतना प्यारा है, इतना प्यारा आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये आया है मेरे हाथों का कलर और दूसरे हाथ का कलर ये आया, और कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोग देखें, शायद ईद पर भी ये कलर था बट ईद पर नहीं आया। और इसी के साथ साथ करती हूँ आज का व्लॉग यहीं पर एंड। मुझे पता है मैं बहुत अच्छे से व्लॉग नहीं बना पा रही जैसे पहले बनाती थी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं और भी इससे अच्छा व्लॉग बना सकूँ। बस ये है कि मैं अभी नहीं कर पा रही इतना अच्छा। बाकी आप लोग बताएगा आप लोग की मेरी मेहंदी कैसी लगी, इसका कलर कैसा लगा। मैं वैसे इतनी ज़्यादा मेहंदी लगवाती नहीं हूँ, बट अब मतलब ये पहली मरतबा ही है कि मैंने जो है इतनी ज़्यादा मेहंदी लगवा ली है। ना एज यू गाइज नो कि मैं सिर्फ फिंगर्स पर मेहंदी लगाती हूँ। अच्छा, मुझे आप लोगों से एंड करने से पहले एक बात शेयर करनी थी, कि पता नहीं कौन सा ट्रॉमा है जो खत्म होने को ही नहीं आ रहा। क्या होता है मेरे साथ कि मैं सुबह उठ जाती हूँ जल्दी, मतलब मैं अभी सर रात हो गई, मैं जाग रही, मुझे नींद नहीं आ, और सुबह मतलब एक दो घंटा सोती हूँ फिर मैं उठ जाती हूँ और मैं ऐसे मतलब पंखे की तरफ देखती रहती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं शायद मैं मर जाऊँगी। मतलब अजीब थॉट्स, इतने अजीब थॉट्स होते हैं मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे मतलब कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा सी सेक्शन में ऐसा होता है कि जब वो आपको एनेस्थीसिया देते हैं तो आप ऐसा लगता है आप गार्ड के अंदर जा रहे हो और ऐसे की आवाज़ आती है और बिल्कुल आँखें बंद होती हैं, आप आँखें नहीं खोल सकते। मतलब मुझे ना सबसे ज़्यादा ना क्या कहते हैं इसको, मैं पैनिक हो जाऊँगी इसी से, अंधेरे से मुझे ट्रॉमा है इसी, मतलब मैं ट्रॉमा में चल जाऊँगी। सीरियस सी बात है कि मतलब मैं क्या, ये क्या है, मैं गार में जा रही हूँ, कब्र में जा रही हूँ, ऐसे बातें सोचना। तो ये सब चीज़ें सुनिए तो मुझे इस के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा पैनिक होती हूँ, मुझे मेरी नींदें ख़राब हो गई हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ, मैं कुछ सही से खा नहीं पा रही, कुछ सही से पहन नहीं पा रही, कुछ कर नहीं पा रही। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और बहुत ज़्यादा मैं सैड रहने लग गई हूँ उसकी वजह से, उसे इसलिए व्लॉग भी नहीं बना रही। तो खैर मुझे नहीं पता क्या होगा, आप लोग बताएगा क्या ऐसा होता है, कैसा सब कुछ होता है, मुझे नहीं पता। ये मेरा शायद फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं शायद बहुत ज़्यादा मैंने अपने सर पे ये सब चीज़ें सवार कर ली। लेट्स सी क्या होता है। बाकी जो है आज आप लोग व्लॉग देखोगे, उसके बाद जो है मेरे 2 दिन रह जाएंगे, सुबह जो है 13 है, 14, 15 और 16 को मेरा ऑपरेट है मंडे को। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और अल्लाह हाफिज़।